नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत और आज डिस्कस करेंगे हम लोग इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस के क्वेश्चंस। ये है सेट नंबर 5। सर, सेट नंबर 1 से 4 तक हमने पहले अपलोड कर दिया है। चलिए देख लेते हैं हम लोग अपने सवालों को। पहला हमारा क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ऊपर। हमने इसमें सवाल पूछा है आपसे कि ये जो एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 था, इसके अंतर्गत क्या क्या प्रोवाइड किया गया था। एन ऑल इंडिया फेडरेशन, दूसरा डायरकी इन द प्रोविंसेस, तीसरा RBI। ये जो एक्ट था इसके अंतर्गत इन तीनों में से दोस्तों क्या क्या बनाने की बात करी गई थी बताना है आपको। तो सर, यहाँ पे जो डायरकी थी प्रोविंसेस में, ये हटाई गई थी। ठीक है सर, जो डायरकी थी इसको प्रोविंस से हटा करके केंद्र में ले आया गया था। ठीक है ना, तो अगर मैं दोस्तों यहाँ पर बात कहता डायरकी इन द सेंटर तो सही होता। यहाँ पर ये मेरा क्या है, प्रोविंस मेरा गलत है, मेरा सेकंड दोस्तों मेरा गलत है, समझ रहे हो सर। वहाँ पर बात हुई थी एक फेडरेशन बनाने की, जो हमारे ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरी हैं वो और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो। मगर क्या हुआ, ये जो फेडरेशन है वो कभी जैसे कि वजूद उसमें आया ही नहीं। मेरा पहला सही है, मगर इसमें देखो बता तो गया ही था, है ना, भले जैसे कि वो नहीं आया रियलिटी में। फिर इसमें जो RBI है इसके बारे में बताया गया था, मेरा थर्ड सही है। आंसर क्या हुआ, B 1 और 3 ओनली आर करेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड फॉर द सेटलमेंट्स ऑफ अ फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एंड एज यूनियन। द एक्ट अबॉलिश्ड डायरेक्टली इन द प्रोविंसेस एंड इट इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। मतलब क्या दोस्तों, वहाँ पर होता रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ये क्या होता है, जो प्रोविंसेस थे वहाँ पर दोस्तों, जैसे कि वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था क्या, इलेक्शन वाले गवर्नमेंट। ठीक है ना, वहाँ पर जो गवर्नर थे, देखो यहाँ पर जो गवर्नर हैं ये काम करेगा किसके अथी पे, ये काम करेगा ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो एक्ट था इसने क्या बोला कि अब जो डायरकी होगी वो केंद्र में होगी। डायरकी क्या होती थी, डायरकी का मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट थे इसको डिवाइड किया दो भागों में, पहला था रिजर्व सब्जेक्ट, दूसरा हमारा था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। ठीक है सर, तो ये जो अलग अलग सब्जेक्ट थे इसका मतलब ये है कि एक जो सब्जेक्ट है उस पर जो हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, मतलब जो वायसराय है, वो काम करेगा बिना एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है दोस्तों, और जो दूसरा है उसमें उसके जो ऑफिशियल्स हैं उनके सहमति इस पर काम करेगा दोस्तों, जैसे कि समझ रहे हो ना, उसके जो एडवाइस उस पर काम करेगा। दूसरा है, दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर ऑफ RBI टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। और सर क्या था, यहाँ पर हम जैसे बनाया गया था फेडरल कोर्ट, जो कब बना था, 1937 में बना था। अगला हमारा सवाल है कि जो भारतीय संविधान है, यहाँ पर जो टर्म आता है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, इसका मतलब क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल एंड प्रेसिडेंट रूल। तो दोस्तों जब हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी प्रोक्लेम की है, इसका मतलब क्या होता है, उन्होंने नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की है। बस में आती है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इमरजेंसी ओनली ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। जो हमारा शासन संपत्ति वाला वो क्या था, वो हमारा आता है आर्टिकल 356 के अंतर्गत। ध्यान सुनना, जो हमारा प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी वो क्या है, ये हमारा आर्टिकल नंबर 352 है। ठीक है, इसके अंदर जैसे किया था प्रोक्लेम किसके द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो ये बातें हैं, आर्टिकल 360 किसके द्वारा, हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। क्या होता है ये हमारा, फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखो अगला हमारा सवाल है हमारे जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उसके बारे में। पहला सवाल ये है कि हमारा संविधान जो है वो फिक्स करता है टर्म 5 साल का इनके लिए, क्या बात सही है, नहीं जी कोई टर्म फिक्स नहीं किया जाता। मेरा पहला गलत हो गया, मैंने क्या किया, 1, B और D काट दिया, मेरा आंसर आ गया यहाँ पर 3। ठीक है, आगे बोल रहा है, ही इज डिबार्ड फ्रॉम लीगल प्रैक्टिस, प्राइवेट वाला। दोस्तों उनको डिबार नहीं किया गया है, वो देखो ये हमारे भारत सरकार दोस्तों वकील होते हैं, समझ रहे ना, जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं क्या होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वकील होते हैं, जिनको अपना जो है ना प्राइवेट प्रैक्टिस, इनको भी दोस्तों जारी रखने का उनको अधिकार होता है। मेरा सेकंड दोस्तों गलत है, मेरा थर्ड यहाँ पर सही है, उनको मिली होती है प्रिविलेजेस जो मिली होती है एक MP को। बस में आती है, ये अपना दोस्तों जो होता है त्यागपत्र किसे देते हैं, अपने राष्ट्रपति को देते हैं।
ही कैन रिजाइन वेन द गवर्नमेंट रिजाइन और रिप्लेस्ड, ही होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड ही मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। ठीक है, जो हमारे दोस्तों संविधान है वहाँ पर कोई भी प्रोसीजर नहीं है, कोई भी ग्राउंड नहीं है उनके रिमूवल का। मतलब क्या, डिपेंड करता है हमारे प्रेसिडेंट पर, डिपेंड करता है हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर। इन्होंने दिया एडवाइस हमारे राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति ने दोस्तों उनको हटा दिया, बस में आती है, ऐसे काम होता है। बाकी बातें तो हमारे आपको मैंने बता दी, इसके बाद दोस्तों जैसे कि और जो एक्स्ट्रा बातें हैं वो पढ़ लेना इसको। अगला हमारा सवाल है, जो DPSP है इसमें जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल हैं वो कौन कौन से हैं। इनमें पहला है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, हाँ जी ये वाला तो है मेरा। दूसरा टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, दोस्तों जो है ना, देखो दोस्तों हमारा जो विलेज पंचायत है, जो भी बातें आती हैं सेल्फ गवर्नमेंट की, स्वराज की, वो गांधीयन प्रिंसिपल है, बस में आती है। सेकंड मेरा क्या है, सेकंड मेरा गांधीयन प्रिंसिपल है, ये सोशलिस्ट नहीं है, सेकंड मेरा गलत है। मैंने क्या किया, दो दो दो, काटो ए बी और डी। मेरा आंसर क्या आ गया दोस्तों, मेरा आंसर आ गया यहाँ पर सी। ठीक है, टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव। देखो जो भी बात होगी जस्टिस की, हमारे जो वर्कर्स हैं इनकी, समझो ना, ये सब क्या होंगे, सारे हमारे आएंगे किसमें, सोशलिस्ट प्रिंसिपल में। फॉर एग्जांपल जो इनइक्वालिटी है वो मिनिमाइज करना है, इनकम में, स्टेटस में, फैसिलिटी देनी है आपको, और जो अपॉर्चुनिटी है वो भी देनी है। ठीक है ना, जो लाइवलीहुड का जो मीन है वो देना है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे रिसोर्सेज का वो होना चाहिए बराबर बराबर, जो वेल्थ है दोस्तों उसका कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, जो पूरा धन है वो एक आदमी के हाथ में नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसका, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और क्या होना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, एंड जो हमारे लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन हो इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में। क्या है, ये सब हमारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल हैं हमारे। ठीक है, देखो नीचे बाक मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। आगे हमारा आता है सवाल कि जो ऑब्जेक्टिव है हमारे प्रीएम्बल का, टू सिक्योर फॉर ऑल इट्स सिटीजन इक्वालिटी लिबर्टी एंड जस्टिस, इसको कौन देता है हमारा इफेक्ट, फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटी, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। दोस्तों ये हमारा है, हमारे फंडामेंटल राइट, ये देते हैं हमें इक्वालिटी लिबर्टी एंड जस्टिस, मेरा ए है राइट आंसर। ठीक है, अगला हमारा सवाल है कि इनमें से कौन कौन सी कमेटी बनाई गई थी जो संबंधित है हमारे जो स्टेट्स हैं ना इनके रिकॉग्निशन से, धार कमीशन, फजल अली कमीशन, JVP कमेटी। दोस्तों इनमें से जो तीनों के तीनों कमेटी है ना बनाई गई थी इनके लिए ही। देखो हुआ क्या था दोस्तों कि आज़ादी के बाद शुरू हो गया था जो लिंग्विस्टिक रिकॉग्निशन है हमारे स्टेट्स का, उसका आंदोलन, समझो ना, मतलब चाहते क्या थे, राज्य जो है ना वो चाहते थे ना कि जो भाषा है इसके आधार पर बने हमारे राज्य। ध्यान सुना, हमने आपको पहले एक्सप्लेन किया है हमारे जो नेहरू रिपोर्ट है वो, इसमें क्या बोला गया था, इसमें कहा गया था कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं इनका गठन किया जाएगा, मतलब क्या, भाषा के आधार पर जो राज्य हैं वो बनाए जाएंगे। तो दोस्तों आज़ादी के पहले हमारा यही स्टैंड था कि बनना चाहिए, मगर क्या हुआ, हमारे यहाँ हो गया पार्टीशन, क्या बन गया, पाकिस्तान और भारत, है ना। फिर हमारे दोस्तों नेताजी, इन्होंने सोचा कि अगर बंटवारा हो गया पहले ही, अगर दोस्तों भाषा के आधार पर दोस्तों बनाएंगे तो क्या होगा, हो सकता है कि हमारे यहाँ जो होता है ना सेपरेटिस्ट टेंडेंसी जो है ना, जैसे कि पैदा हो जाए और भारत के टुकड़े टुकड़े और हो जाए। उन्होंने क्या किया कि नहीं, अब नहीं होगा भाषा के आधार पर जैसे कि बंटवारा, बस में आती है। तो इसको दोस्तों जैसे कि नहीं किया गया था सपोर्ट। तो फिर क्या हुआ, जैसे कि दोस्तों जो हमारा आंध्रा है वहाँ पर मूवमेंट शुरू हो गया काफ़ी ज़्यादा, जो पोटे रामलो हैं उन्होंने कर लिया जैसे कि कांड सब, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, पहला जो है ना राज्य बना था हमारा आंध्रा, जो बना था भाषा के आधार पर। ठीक है, तो हमारे जो धर कमीशन है, JAP कमेटी हैं, और जो फजल अली कमीशन है, ये सब क्या थे, ये सब संबंधित थे हमारे रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स से। ठीक है ना, जो हमारा फजल अली कमीशन था इसको हम कहते हैं क्या, SRC, स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन, जिसके चेयरपर्सन कौन थे, फजल अली। इसमें लोग दोस्तों, इसमें तीन लोग थे, बाकी दो तो कौन थे, KM पनिकर और थे हमारे HN कुंजरू। ठीक है, इन्होंने दोस्तों अपना रिपोर्ट दिया 1955 में, एंड इट एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट एंड इट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज मनुष्य। मतलब क्या, एक भाषा के साथ दोस्तों जैसे कि एक राज्य बने कोई जोरी नहीं है, मतलब क्या, एक राज्य में एक से दो से ज़्यादा भाषाएँ हो सकती हैं, बस में आती है। फॉर एग्जाम्पल बिहार, यहाँ पर मागधी भी है, जैसे कि मगही भी है, ठीक है ना,
भोजपुरी भी है ना, कई सारी भाषाएं हैं, समझ रहे हो। तो ये सब बातें होती हैं। फिर दोस्तों हमारा, जैसे कि इसके पहले हमारा जेवीपी कमीशन था, इसमें कौन कौन थे, जे हमारे हो गए नेहरू जी, वी होगा हमारे वल्लभ भाई पटेल, और पी हमारा हो गया हमारे पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे थी तीन कमीशन। पहले बना क्या, धर, फिर आया जेपी, फिर हमारे आए फजल अली। अगला हमारा सवाल है, इनमें से कौन सा जो है वो यूनिटरी फीचर है, सिंगल संविधान, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सिंगल सिटीजनशिप। दोस्तों इसमें से जो सिंगल संविधान है वो क्या है, ये हमारा एक यूनिटरी फीचर है। ठीक है, मेरा पहला सही है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी दोस्तों ये फीचर है हमारे जो फेडरेशन है उसका, ठीक है ना। और जो हमारा दोस्तों सिंगल सिटीजनशिप है, क्या है ये हमारे एक फीचर है यूनिटरी गवर्नमेंट का। आंसर क्या हुआ दोस्तों, मेरा आंसर हुआ हमारा यहाँ पर 1 और 3, बी इज़ द राइट आंसर। स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल संविधान, सिंगल सिटीजनशिप, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। सुनो ना, ध्यान सुनना, इंडिपेंडेंट कहा गया है यहाँ पर, इंटीग्रेटेड नहीं कहा गया है। अगर दोस्तों हमारे लिखता ना कि यहाँ पर इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जिसके दोस्तों देखने को मिलता है भारत में, मतलब क्या है, यहाँ पर जो जुडिशरी है वो क्या है, इंटीग्रेटेड है। मतलब क्या, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब एक हायरार्की में है। ऊपर में है सुप्रीम कोर्ट, फिर हमारा आता है नीचे हाई कोर्ट, फिर हमारे आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह, बस में आती है। तो ये सब है ऑल इंडिया सर्विसेज, इमरजेंसी प्रोविजन, ये सब क्या है हमारे यूनिटरी फीचर हैं हमारे संविधान के। ठीक है, फिर आता है हमारा टू गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर, लिखा हुआ संविधान, जैसे कि संविधान की जो सुप्रीमेसी है वो, इसका जो रिजिडिटी है वो, इंडिपेंडेंस है, बाइकमरिज्म है, सब क्या है हमारे, ये सब हमारे फेडरल फीचर्स हैं हमारे संविधान के। अगला हमारा सवाल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 पर, ध्यान सुनना, इसके अंतर्गत जो सेपरेट इलेक्टोरेट है इसको और वाइड किया गया था। ठीक है, और दोस्तों क्या हुआ, हमारा जो बाइकमरिज्म है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये क्या होता है दोस्तों, जब हमारे पार्लियामेंट में बनते हैं दो सदन, क्या बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं हम लोग बाइकैमरलिज्म। ठीक है, और दोस्तों क्या हुआ था, जो होता है ना डायरेक्ट इलेक्शन, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इस एक्ट से। देखो, इट प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियन, क्या बात सही है, हाँ जी बिल्कुल सही है। पहले किसे मिला था, 1909 वाले एक्ट से मिला था हमारे मुस्लिम्स लोगों को। ठीक है ना, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 है ना, इसे किसको मिला, सिख है इनको मिला, जो क्रिश्चियन है इनको मिला, एंग्लो इंडियन और जो यूरोपियन है इनको भी मिला था। ठीक है, अगला हमारा है, इट इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया, बिल्कुल जी किया था, मेरा सेकंड सही है। मेरा आंसर क्या हुआ, सी, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। अगला सवाल हमारा है जो हमारे विधानसभा है उसके बारे में, विधानसभा कंसिस्ट ऑफ डायरेक्टली इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड आदमी ओनली, क्या बात सही है, यहाँ जो बिल्कुल हमारी जो विधानसभा होती है ना उसमें होते हैं लोग डायरेक्टली इलेक्टेड, और उसमें एक बंदा होता है नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। कौन होता है वो, वो होता है मेंबर ऑफ एन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, फर्स्ट में आती है, मेरा पहला सही है। हमारे जो विधान परिषद है, इट कंसिस्ट ऑफ इनडायरेक्टली इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड बंदे ओनली, क्या बात सही है, हाँ जी, जो 5/6 लोग होते हैं वे होते हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, और जो 1/6 होता है ना ये होते हैं नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, मेरा सेकंड सही है। आंसर क्या हुआ मेरा, सी, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। ध्यान सुनना, हमारा जो विधान परिषद है उसका स्ट्रेंथ होता है 1/3 ऑफ द विधानसभा, मतलब मान लो कि विधानसभा में 60 लोग का स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, तो कितने लोग हैं परिषद में, परिषद में होंगे हमारे 20 लोग। क्यों सर, क्योंकि तो जैसे कि हमारे संविधान ने कहा है कि यहाँ पर 1/3 हमारे मेंबर होंगे, और कितना होगा मिनिमम, मिनिमम होगा हमारे पास 40, बस में आती है, ये कहा गया है हमारे संविधान में। चलो दोस्तों, अगला सवाल हमारा किस पे है, प्रेसिडेंट रूल पे है। देखो, प्रेसिडेंट रूल लगाने के होते हैं दो ग्राउंड। पहला दोस्तों ग्राउंड होता है कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनी है जहाँ पर जो गवर्नमेंट है राज्य में वो नहीं चल सकता अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द संविधान, मतलब कि वहाँ पर क्या हो गया है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है इसका ब्रेकडाउन हो गया है, बात में आती है, ये हमारा हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन दोस्तों हमारा ये है कि जब जैसे कि ये लगे कि स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर, क्या होगा,
हम ये मान के चलेंगे इट विल बी लॉफुल फॉर द प्रेसिडेंट टू होल्ड दैट, एक स्थिति जैसे कि दोस्तों एक ऐसी स्थिति बनी है जहां पर गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड आउट इन अकॉर्डिंग विद द प्रेजेंट और द कॉन्स्टिट्यूशन और यहां पर क्या होगा, यहां पर हम लोग जो है ना प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, बस में आती है। तो मेरा जो जैसे कि ये वाला ठीक है। सेकंड मेरा क्या कहता है, सेकंड मेरा कहता है कि प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ वन ईयर, नहीं केवल एक साल नहीं, क्या होता है हमारा मैक्सिमम पीरियड ऑफ थ्री ईयर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये तो सर ये हुआ हमारे किसके बारे में, जो हमारा शासन है प्रेसिडेंट रूल का उसके बारे में। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल हमारा 365 नंबर है, नेशनल इमरजेंसी कौन सा आर्टिकल 352, फाइनेंस इमरजेंसी कौन सा आर्टिकल 360, बस में आती है। तो सर ये था सेशन हमारा आज का, हमने देखा जो प्रेसिडेंट रूल है इसके बारे में, जो विधानसभा है और जो विधान परिषद है दोस्तों इसके जो हमने देखा कि इसका कितना स्ट्रेंथ होता है, कैसे कैसे काम होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा। फिर देखा हमने कि यूनिटरी फीचर्स कौन से हैं, फेडरल फीचर कौन से हैं हमारे संविधान के, जो हमारे तीन कमीशन थे उसको देखा। फिर बातें आई जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसका, DPSP के दोस्तों हमारे सोशल प्रिंसिपल उसको देखा हमने। ठीक है, फिर देखा कि दोस्तों हमारा जो अटॉर्नी जनरल होता है इसके बारे में। आगे बात आई हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो देख लिया हमने। तो सेशन हमारा था ये वाला आज, सेट नंबर 5। करना क्या आपको बताएं अच्छा लगे तो, मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।